हाँ, निश्चित तौर पे फतेहपुर के अंदर उपचुनाव हो रहा है और मैं ये कह सकता हूँ कि इस बार फतेहपुर में भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। मैं मानता हूँ लंबे समय से वहाँ पे कांग्रेस के पास सीट है 2009 से, जैसा कि आप बता रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से सरकार और संगठन ने लगातार वहाँ पे काम किया है, मुझे ऐसा लगता है कि हम वहाँ पर जीतेंगे और इस बार वहाँ भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। मोहर लगी है टिकट के किसे मिलेगी? नहीं, अभी तो समय लगेगा, अभी आपके पता मीटिंग्स का दौर चला हुआ है, ये तो दिल्ली में ही सारी चीज़ें डिसाइड होंगी। सर, कितने प्रत्याशियों का पैनल जो है यहाँ से भेजा जाएगा? अभी मैं ये कुछ नहीं बोल सकता इन विषयों के बारे में, और ना ही मेरे को इस विषयों के बारे में इतना ज्ञान है, क्योंकि ये सारा अगली मीटिंगों में तय होना है, जब चुनाव समिति की मीटिंग अभी हुई नहीं है। सर, कांग्रेस 4 के दावा कर रही है, किस तरीके से देखते हैं? कांग्रेस के दावों से कुछ नहीं निकलने वाला। आज तक जितने चुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस की क्या हालत हुई आप जानते हैं, पूरे देश के अंदर कांग्रेस की क्या हालत है वो भी आप जानते हैं। इसलिए कांग्रेस सुकड़ रही है, फैल नहीं रही, और भारतीय जनता पार्टी का कुनबा बढ़ रहा है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं कि कांग्रेस की पूरे प्रदेश के अंदर बुरी तरह से हार होगी, चाहे वो लोकसभा है चाहे वो विधानसभा है। डॉक्टर राजन सुशांत अपने मूड के व्यक्ति हैं, जैसा वो चाहेंगे वैसा होगा, और अगर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उनको कोई रोक नहीं सकता, अगर वो नहीं लड़ना चाहते तो उनको कोई लड़ा नहीं सकता। बैठक हो रही है जी, पार्लियामेंट क्या अलग से बैठक हुई है, 3 विधानसभा क्षेत्रों की अलग से बैठक हुई है, फीडबैक लिया गया है, और फीडबैक के बाद अब नीचे पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक चल रही है, उसके बाद लिस्ट यहाँ से जो है वो दिल्ली भेज दी जाएगी, वहाँ से नाम फाइनल होके 6 को आ जाएंगे और 7 को अनाउंसमेंट हो जाएगी। कितने लोगों के नाम फाइनल? ये अलग अलग है, इसके बारे में हम तो जो प्रभारी साहब रह रहे थे हमसे सिर्फ ये पूछा गया वहाँ पे एग्जैक्टली क्या ग्राउंड सिचुएशन क्या है, ग्राउंड जीरो में क्या है, इससे ज़्यादा हमसे कोई बात नहीं हुई। हम लोगों ने सिर्फ अपनी सिचुएशन बताई कि अपने अपने क्षेत्र में क्या सिचुएशन है, उसके बाद पैनल के बारे में हमसे कोई डिस्कशन नहीं हुई, ये बात आलाकमान ही तय करता है, और अवेलेबिलिटी जो है वो बेसिक क्राइटेरिया रहेगा, और उसको लेते हुए आगे जो है बढ़ेगा। अब तारीख 3 तो ख़त्म होगी, 4, 5, 6 3 दिन की बात है, तो 3 दिन में आपको सारे सवाल मिल जाएंगे। सर, फतेहपुर की जिम्मेदारी है आपके पास, किस तरीके से देखते हैं? 2009 से खाली चल रही है। जीतेंगे जी, अच्छे मार्ग से जीतेंगे, जोरदार तरीके से जीतेंगे। धर्मशाला भी जीता था, फतेहपुर भी जीता, कोई इशू नहीं। पूर्व मंत्री डॉक्टर राजन सुशांत कितनी चुनौती देंगे सर? आप राजन सुशांत को मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते हैं, उनके बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। सर, कांग्रेस कह रही है 4 के 4, कांग्रेस का फर्ज है बोलना, उनका तो यही बोलेंगे और क्या बोलेंगे, कांग्रेस को भी बोलेंगे हम चारों हारेंगे, जबकि वो चारों हारेंगे। सर, कांग्रेस जो है महंगाई और जो बाहरी लोगों को रोजगार का मुद्दा है वो प्रमुख रूप से उछाल रही है। ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जो ये मुद्दा बनाना चाह रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि कांग्रेस के पास ना नेतृत्व है, ना नेता है, ना नीति है, ये है सबसे बड़ा मुद्दा, और इस बात को पब्लिक जानती है। आज आपके सामने पंजाब में क्या हो रहा है, आपके सामने छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, कांग्रेस इस देश से साफ हो रही है, कांग्रेस मुक्त भारत की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ रहे हैं, और हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर के नेतृत्व में बढ़ रहे हैं, ये सब तय है।